वो देख के तैयार हो गई और ये हो गई। अब मसाले तैयार हो गए। तो जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह देखे शेगे मारी हो गई है तैयार। पास्ते प्लेटें बना रहे हैं और सबसे भाई फिर उर्दू में बात करे। आपका इंटरव्यू हो रहा है जी जी। आप क्या कहते हैं? ठीक ठाक। आप क्या कहते हैं? आप बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं सारे दोस्तों? सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक छोटा सा ख़त्म रखा है, वो भी दरबार शरीफ पर। तो आज अभी भी तकरीबन पहले मैं आया था सुहाग वगैरह छोड़ने, उस वक्त मेरी हालत इस तरह की नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इसलिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी शेडी हो के आया और दरबार पर एक छोटा सा ख़त्म रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे का वो कहते हैं कि मन्नत जो होती है वो मानी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो इसलिए आज हम अभी आए हैं दरबार पर और पीछे हम लंगर बना रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं। और मेरे साथ अभी छोटे बच्चे आए हैं, बाकी घर वाले पीछे आ रहे हैं, वो पैदल ही नज़दीक ही, हमारे दरबार इतनी दूर नहीं है। तो हम अभी बाइक पे आ गए, मेरे साथ आहिल है और तलाल और निजला। तो अभी चलते हैं, पीछे देगे शेगे बन रही हैं। पहले आपको मैं थोड़ा सा दरबार का लुक चेक करवाता हूँ, नज़ारा करवाता हूँ, आई मीन ज़ियारत करवाता हूँ। तो आप थोड़ी सी ज़ियारत करें, फिर उसके बाद चलते हैं वहाँ। ये जनाब निजला और आहिल और तलाल, और इसके बाद माशाल्लाह ये चेक करें दरबार माशाल्लाह। तो ये जनाब वज़ू खाने की जगह है सामने, और वो जनाब हज़रत बाबा जी फ़कीर मोहम्मद साहिब अलमरूफ चंबे वाले सरकार, बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं जनाब वहाँ पर जो देगे बन रही हैं। आ जाओ कैमरा मैं बंद नहीं करता, ऐसे ही चलते हैं। आप भी देखते रहें दरबार शर ज़ियारत करें, और यहाँ पर कब्रिस्तान है और ये लंगर खाना है। लंगर खाना हर 11वीं शरीफ को खुलता है। हर 11वीं शरीफ को ये लंगर खाना खुलता है, चेक करें माशाल्लाह बहुत बड़ा। वहाँ पर खीर हर महीने खीर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बनती है। तो ये हमारे सारे बैठे हैं, कज़न हो गए, भाई हो गए सारे, और भाई भी बैठे हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, ये जनाब देखे हैं ये मर रही हैं। राइट हैंड उर्दू में बात कर लेते हैं। कैसे हैं जनाब? उर्दू में बात करें ना जनाब। भाई उर्दू में बात करें, आपका इंटरव्यू हो रहा है जी जी। आप क्या कहते हैं? ठीक ठाक। आप क्या कहते हैं? आप बैठे हैं। आप बैठे हो तो ये जरा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेडी करके रख दी गई, और पानी पानी डाल दी गई, वो आई थिंक वो तैयार है, बाकी ये रह गई। ये खुई है, पहले हम इधर से पानी निकाला करते थे। जनाब मसाले तैयार हो गए। पानी जनाब अभी मैं बर्फ़ लेने आया हूँ, ये रखे हुए थे, और मेरे मामू के घर भी बर्फ़ रखी हुई थी, घर में भी रखी हुई थी,
एक शापर है, दूसरे दो शापर उधर है, क्योंकि गर्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं तरफ लेने आया था। फिर चलते हैं, वो देखिए तैयार होगी और ये हाय 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 तो जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह देखे शेगे मारी हो गई तैयार, तो तकरीबन दो ले गए नीचे और ये ताज़ी ताज़ी दाम पे रखी है, तो अभी चलते हैं माशाल्लाह। ख़त्म का टाइम हो गया लंगर खाने ठीक ठाक बाहर अंदर जो है ना वो प्लेटे छेटे बना रहे हैं। चावल बिल्कुल रेडी हो गया, एक देख लो वो सामने पड़ी हुई है, चेक करवाता हूँ आपको चादर पाई चादर ना कारण पिछा चादर ना कारण चादर ना वो तेंथे का कारण करे पिछा नहीं तो पिछा तो करे खोले घंटे पर छान माशाल्लाह वो चौकियां शौकियां बना रहे हैं अभी चिपना देना घोसना दर्जी ना खत्म शुरू हो गया दौड़ का कंप्लीटिंग हो गया والحاضرين والحمد لله رب العالمين
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द मुहम्मदु वला आल सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन तुनजीना बिहा बिल जमील अहवाल व आफात व तफदीना बिल जमील हाजात हाजात दीनी व दुनिया व आखिरा व तताहिना बिल जनाब अभी हम खाते हैं अपने ये मैं एंड पे चीज करूँगा मैं बड़े शौक से खाते हैं इसलिए मैंने ये मंगाई खाते हैं बाद में मिलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबार से वापस आ गए और अभी तकरीबन टाइम हुआ है 4 और गोश्त लेने जा रहे हैं दुकान के लिए और नहयान के ना बाल शक कटवाने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आहल के मैंने रख दिए लेकिन नहयान के यार बहुत ज़्यादा पसीना जिन्हें इसको आता है वो छोटा भी है इसलिए ना बाल शल इसके ना थोड़े कट करवा लेते हैं तो इसलिए हम उसको साथ लेके चले क्योंकि गोश्त लेने जाना तो मैंने कहा चलो ले जाते हैं सुबह मोस्टली मैं लेट हो जाता हूँ। मेरे लगा इस अभी नहयान भाई की चेक करें बाल शल पूरी कटिंग हो चुकी है और मैंने भी यार हाथ बहुत ज़्यादा काफ़ी सारा बड़ा हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया अभी यार बड़ी बारिश हो रही थी इधर तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हाथ नहीं करवाया था नहयान भाई की भी कटिंग हो गई तो इसलिए वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि यार वो ये रोना शुरू हो गया था तो हो सकता है कि कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का थोड़ा मसला आ जाए तो इसलिए यार लेकिन बाल ही कटवाने थे बाल इसलिए कटा ली तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गोश्त दे रहे हैं तो गोश्त लेके चलते हैं घर की तरफ। अभी ये गोश्त लेने लगे हैं गोश्त की दुकान के लिए लेना था तो अभी गोश्त लेते हैं फिर घर की तरफ चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तकरीबन हो गया 5 थोड़ी देर में फिर घर की तरफ निकलेंगे। अभी हम खड़े हैं ये अपने बाजार शकरीला शरीफ सजी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए तो थोड़ी तकरीबन थोड़ी देर पहले मैं घर आया हूँ और मसला ये था कि लाइट चली गई और इसलिए वीडियो नहीं जल्दी बना सका तकरीबन अभी 9:30 हो गए हैं तो अभी लाइट तकरीबन आधा घंटा पहले हुई है वापस आई है तो थोड़ा सा काम था वो कर रहा था तो अभी मैंने थोड़ा सोचा कि चलो वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तो इंशाल्लाह अभी अपने भाई को जी इजाज़त इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुदा हाफिज़।